हमारे साथ है रेनु प्रजापति हु हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस आर्ट एंड एग्जीबिशन ऑन द वैलेंटाइंस ईव. रेनु, सबसे पहले तो इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहेंगे. एग्जीबिशन है आज, वैलेंटाइन डे भी है, तो उसके बारे में. एक्चुअली जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी थीम थी कि मैं वैलेंटाइन डे के दिन करूँ और लव जो होता है उससे डिपिक्शन पेंटिंग लगाऊं यहाँ पर, और जो वैलेंटाइन डे और आर्ट एग्जीबिशन को दोनों को कोरिलेट कर पाऊं. तो जो इसलिए मैंने जो थीम रखा वो लव रखा. और इस वैलेंटाइन डे के दिन नॉर्मली लोग कैंडल लाइट डिनर में जाते हैं, कपल के साथ जाते हैं, सारी जगह जाते हैं, लेकिन ये एक जो आर्टिस्टिक वे में सेलिब्रेट करना वैलेंटाइन डे, तो मेरा मेन मोटो ये था. और इस वजह से जितने भी आर्टिस्ट हैं जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेशन एंड जो भी वो परसीव करते हैं उनको एक पेंटिंग में, कलर या स्कल्पचर के मीडियम में डिपिक्ट करते हैं, वो सारा जितने भी आर्टिस्ट लवर हैं, आर्ट लवर हैं, उनके सामने लेकर आना. तो एक वैलेंटाइन डे को केवल वो एक जो कपल लव होता है उसमें ही सीमित ना रहे, एक्चुअली उसको एक पेंटिंग से कनेक्ट करने की कोशिश रही है मेरी. तो यहाँ पर ये मैंने लोगों को पब्लिकली कनेक्ट किया जाए कि वैलेंटाइन डे केवल बाहर जाकर रेस्टोरेंट में जाकर ही ना सेलिब्रेट करें, यहाँ भी आए, आर्ट एग्जीबिशन में आके सेलिब्रेट करें, क्योंकि लव यहाँ पर भी है. आप पेंटिंग से भी लव कर सकते हो. लाइक इन आर्टिस्ट जितने भी जिन्होंने भाग लिया है, किस तरीके से चुनाव किया, या कोई ओपन था ये एग्जीबिशन, कोई भी आके अपनी पेंटिंग इसको कर सकते? एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने उन आर्टिस्ट को इसमें सेलेक्ट किया है कि जिनकी पेंटिंग एक, एक्चुअली पेंटिंग सारी ही अच्छी होती हैं, किसी में लव है, किसी में क्राइनेस है, किसी में रूडनेस है, हर तरीके की पेंटिंग होती हैं. लेकिन इधर जितने भी आर्टिस्ट हैं, पहली बात तो कि सारे ही रिनाउंड हैं, कुछ यंग आर्टिस्ट हैं, सारी जगह से आए हैं, कुछ कनाडा से आए हैं, कुछ हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, सारे ही आर्टिस्ट हैं. तो इसमें नेचर का लव, ह्यूमन बीइंग का लव, स्कल्पचर का लव, मतलब एवरी टाइप, जितने भी टाइप से आर्टिस्ट उसको डिपिक्ट कर सकता है, सारी पेंटिंग्स को हमने कवर किया हुआ है कि कोई भी एक कॉर्नर छूट ना जाए, कि जो इमोशन, फीलिंग्स एंड परसेप्शन को टच ना करता हो. अगर मैं एक थीम की बात करूँ, वैलेंटाइंस ईव है, वैलेंटाइंस डे है, तो क्या लव भी एक थीम थी इस पेंटिंग? बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली इसीलिए मैंने इसको वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया है कि मैं वैलेंटाइन डे और लव दोनों को क्लब करके, कोलोबरेट करके एक एग्जीबिशन करूँ, कि जिससे लोग, ये होता ना कि वैलेंटाइन डे नॉर्मली कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलेंगे व्हाटएवर, नहीं, ये भी एक है कि फ्रेंड से कर सकते हो आप पेंटिंग से, क्योंकि एक्चुअली आर्टिस्ट ना अपनी फीलिंग डिपिक्ट करता है. तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका लव होता है कि वो पेंटिंग को एक सोच देता है, आकार देता है, वो जो सोचता है तो वो वेल वर्ज उसमें दिखाई देता है. तो जो आर्टिस्ट को समझने वाला है एग्जैक्टली, क्योंकि कलर सभी भरते हैं, अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो उसमें फीलिंग्स भर सकता है. क्योंकि मैं मानती हूँ कलर भरना इट इज़ नॉट अ रियल आर्टिस्ट. तो जो उसने उसको डिपिक्ट कर दिया ना फीलिंग्स, इमोशन के साथ, और समझ भी वो उसे समझ सकता है जिससे पेंटिंग की समझ हो. हर कोई एक्चुअली कहते ना इस पेंटिंग में क्या है, वो ब्राइट कलर देख के ही खुश हो जाते हैं, बट इट इज़ नॉट अ एक्चुअल आर्ट लवर. तो जो पेंटिंग के इमोशन को समझ सके, तो एक्चुअल आर्ट लवर वो है. तो यहाँ पर भी जो थीम है वो लव की है, और यहाँ पर जो पब्लिक हमारी ऑडियंस है वो सारी ही आर्ट लवर है, और जो वैलेंटाइन डे को एक न्यू क्रेजी वे में सेलिब्रेट करना चाहते थे वो सारी यहाँ पर आए हुए हैं. कुछ पेंटिंग्स के बारे में बताइए, जिस तरीके से पेंटिंग्स यहाँ पर डिपिक्ट की रही है. ओके ओके. तो यहाँ पर एक्चुअली जैसे लाइक जो यहाँ पर लगी हुई है भारती बेंगलुरु की है, इनका जो थीम है वो जॉयस राइड है. तो एक यहाँ पर एक बच्चे का लव है कि वो एक हॉर्स पे राइड करता है, वो किस तरीके से अपने लव, चाइल्डहुड में जो उसे प्यार होता है अपने बचपन से, एक घोड़े से प्यार है, वो उसमें जॉयस आई, वो उसको इंजॉय कर रहा है, प्यार कर रहा है उस राइड को. तो इस तरीके का उसमें लव दिखाया गया है. यहाँ पर एक और पेंटिंग है जो गर्ल है जो अपनी फ्रॉक में चांद लिए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें अपनी डिपिक्ट कर रही है कि किस तरीके से वो इंजॉय कर रही है उस मोमेंट को, कि उसको इतना प्यार है चंद्रमा से कि उसने अपनी फ्रॉक में उसको कैद कर लिया. तो मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग हैं जिनका डिपिक्शन खैर इतने कम टाइम में तो नहीं हो सकता है, इट इज़ अ वेरी बिग मैटर, बट हमने कोशिश की है कि हर तरह की पेंटिंग को एग्जिबिट करें. यहाँ पर एक भी वो एक वुमेन का है जो रंजीत सरकार की पेंटिंग है, जिसमें एक लेडी है वो मगन होके नाच रही है, तो ये उसका डिपिक्शन है, वो लव, लाइक कृष्णा को सोच रही है. तो मतलब
सी इज प्रेजेंटिंग लाइक अ मीरा, तो वो नाच रही है कृष्ण के लव में. तो एक्चुअली सारी तरीके की पेंटिंग है, कृष्ण राधा का प्यार है यहाँ पर, सभी तरीके की पेंटिंग है. आखिरी सवाल, हम ऐसे जो भी एग्जीबिशन है और भी आगे फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं आपसे? जी जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं. एक्चुअली जो द ग्रेशिया है, हमने कोशिश की है कि आर्टिस्ट को, यंग आर्टिस्ट हैं, रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, एंड वी कैन से जो अच्छा, जिनका डिपिक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, उनको डिजिटली आगे बढ़ाया जाए. एक्चुअली हमारे यहाँ अभी क्या है, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो आर्ट डीलर के थ्रू या किसी मीडिएटर के थ्रू कनेक्ट हैं. तो जो द ग्रेशिया है वो एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस उनको देना चाहती है कि जहाँ पर वो आकर खुद की आइडेंटिटी बनाए, मतलब आर्ट डीलर के थ्रू केवल पेंटिंग की आइडेंटिटी ना रहे, एक्चुअल वो क्या है और वो किस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और पेंटिंग में की थीम क्या है, वो सारे लोगों के सामने आए. और एक्चुअली जो लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं इस चीज़ से, वो डिजिटल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट, क्योंकि आई थिंक कि आज के टाइम में डिजिटल मीडिया ऐसा है कि जो कम टाइम में बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इतना पॉसिबिलिटीज नहीं है कि एक एक कोने तक आपकी बात पहुंच सके. तो डिजिटल मीडिया के थ्रू मेरा मेन फोकस डिजिटल मीडिया पे है, और आर्टिस्ट को कैसे ऊपर लेके आए हम, तो मेरा मेन फोकस, और देश के कोने कोने पर, और जो हमारे देश के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर हम उनको फेमस पब्लिसिटी, उनके बेस्ट आर्टवर्क को दिलाएं. तो ये द ग्रेशिया का टोटल थीम है. रेनू, बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है, और एनीमे न्यूज़ से बात करने धन्यवाद. ओके, थैंक यू सो मच. जी ने हमें कास्ट किया क्योंकि ये भी मीडिया का ही एक पार्ट है, और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने में ये भी मीडिएटर का काम कर रहे हैं. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एएनवी न्यूज़ एंड थैंक यू, एंड ऑल विशेस बाय माय साइड आल्सो कि हम भी ग्रो करें और आप भी ग्रो करें. ओके.